पहले मैं अपने कोच का बोलूंगी, मेरा जो कोच है ओएस याकूब जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे वैसे कोच मिले हैं और जो आज इवेंट हुई है उसकी वजह से और उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल भी मतलब हमारी गेम हुई थी, कल भी मैंने जीता था, आज भी मैंने जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि जो मतलब हमारे अंदर टैलेंट है कि हम दिखा सके हमारे अंदर कितना टैलेंट है। पुलवामा में बहुत से टैलेंटेड है, जैसे हम देखे जाए कि ओएस याकूब जो कि जिसने MFN फाइट भी खेली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरनेशनल प्लेयर है और गोल्ड मेडलिस्ट पे है। चाहती हूँ कि जो पुलवामा में टैलेंट है वो दिखाया जाए किसी भी थ्रू, यहाँ पर हमारी दानिशदन एकेडमी है उसके थ्रू वाइज बनते हैं। यहाँ के जो युवा है, यहाँ आने वाली पीढ़ी है, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। और यही मेरी गुजारिश है फिर से कि यहाँ एक जो टर्फ है, हॉकी टर्फ, जो बाहर के इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं वो भी यहाँ पे शिरकत कीजिए, इन बच्चों को सिखाइए, वो सबसे बेटर। किस्मती की बात है ऐसे इवेंट यहाँ पे होते हैं। तो मेरी उन लोगों से यही गुजारिश है जो आने वाली पीढ़ी है, यूथ है, जिनको डिप्रेशन है, जो बड़े काबिल है स्पोर्ट्स में लेकिन अपना हुनर नहीं दिखाते हैं, उनको वो आइए यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, अपने देश को कीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना हुनर दिखाइए। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे सर कोई प्लेयर नहीं बनता सर, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें जाना है दिल्ली फाइट के लिए, उसके लिए जो स्पॉन्सर करते हैं हमें आते हैं, हमने ये जो 55 RR हैं ये स्पॉन्सर दे रहे हैं, तो हम उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इवेंट किया था वो मिक्स मार्शल आर्ट्स का ही था, जो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होते हैं मार्शल आर्ट्स में, ये यहाँ पे MMA खेलना मकसद नहीं है, ये यहाँ पे ये था कि जो लोग हैं वो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स है उनको पता चले इन स्पोर्ट्स के बारे में कि कितने काइंड ऑफ स्पोर्ट है और हम कैसे कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर इसमें बना सकते हैं और हम अब कैसे फिट रह सकते हैं। और जितना इंसान फिट रहता है, हेल्दी रहता है, उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो अंदर की एनर्जी होती है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चली जाती है, तो वो ड्रग्स से दूर रहता है, वो उन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहता है, वो गंदे माहौल से दूर रहता है, क्योंकि वो अपने आप पर वर्क कर रहा है। तो जब इंसान अपने आप पर वर्क करता है और अपने हैबिट्स को ठीक करता है तो उसका मतलब यही हुआ कि वो नेगेटिव चीज़ से खुद ही दूर रहेगा। तो यहाँ पर जो मकसद था 2 दिन का यहाँ पर आना, वो था ये कि हम फिट रहे, जब हम फिट रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉस्टल्स में अभी कितने पेशेंट्स होते हैं और हेल्थ का क्या क्या मतलब बना है, आप जंक फूड से और न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो 55 RR ने ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे साथ लाइन्स के साथ कोलैब करके। तो इन्हें बोला था कि आप यहाँ के जो यूथ्स हैं उनको लाए और जो हमारे बहुत से टैलेंट यहाँ पे उनको मैंने उनको दिखाया कि उनको भी फिर से जो एमेच्योर जैसे मैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, प्रोफेशनल फाइटर अभी जम्मू कश्मीर का हूँ, ऐसे भी ये भी जो अभी 5-6 फाइटर मेरे हैं वो दिल्ली में अभी जा रहे हैं जुलाई में ईद के बाद ही, उसके बाद वो 6 फाइटर वहाँ पर इंशाल्लाह गोल्ड लेके आएंगे और फिर से वो भी प्रोफेशनल फाइटर इस लीग में जाएंगे। और अभी जैसे
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जम्मू कश्मीर का अभी पुलवामा से पहला बंदा प्रोफेशनल लेवल पे गया, ऐसे में चाहता हूँ कि पुलवामा से और भी टैलेंट जाए।